जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जो मंत्रा में। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप ही का अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा, रोजगार, आंगनबाड़ी, आशा बहन और संविदा कर्मियों से संबंधित कोई भी खबर होती है वार्ड के किसी भी राज्य की, तो हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते हैं। खासकर संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे आप परिवहन विभाग में कंडक्टर, ड्राइवर या स्वास्थ्य विभाग में ANM, JNM या और किसी भी पद पे कार्यरत हो, लेब असिस्टेंट, या फिर आप मनरेगा के कर्मचारी हो, या फिर आउटसोर्स हो, या फिर ग्राम पंचायत सहायक हो, पैरा टीचर और जो अतिथि शिक्षक पद पे, या फिर आप जो बिजली विभाग में ठेके के थ्रू, जैसे एजेंसी के थ्रू कार्य करते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्य करते हो, तो आपके लिए वीडियो सबसे पहले लेकर के आता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है संविदा कर्मियों के लिए। 4.5 लाख संविदा कर्मी चुनाव के बाद में होंगे स्थायी। तो चुनाव भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो खबर हम देख लेते हैं, फिर गवर्नमेंट का क्या एक्शन रहा वो हम जानते हैं। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप पहली बार बता रहे हो, क्योंकि आप ही का अपना चैनल है, आप जो हमारे को कमेंट करके बताते हो वही चीज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं क्या खबर। राज्य के करीब 4.5 लाख संविदा कर्मचारियों की नौकरी पक्की व नियोजित करने की प्रक्रिया पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी और पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस संबंध में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और पंचायत से लेकर के जिला एवं राज्य सरकार के 44 विभागों में वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण कर लिया गया है और समिति को सिर्फ पंचायत चुनाव के खत्म होने का इंतजार है और आचार संहिता की बंदिश हटते ही 8 जून के बाद कभी भी इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश पर बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी को संविदा कर्मचारियों को पक्की नौकरी प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए सेवा शर्तों को निर्धारण के साथ साथ विभिन्न विभागों में प्राप्त अनुशंसाओं की क्रियान्वयन की भी जानकारी सौंपी गई और समिति का कार्यकाल इसी साल 13 अगस्त को समाप्त होना होगा और इससे पहले नियोजन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो किसे होगा लाभ। श्रेणी 1 में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोग्रामर, आउसुलिपिक, नर्सिंग स्टाफ, वेटनरी डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, IT मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर, DPO, विधि वित्त कृषि विशेषज्ञ, लेखा सहायक, एग्जीक्यूटिव, सांख्यिकी स्वयं सेवक, अमीन, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी प्रबंधक, सांख्यिकी सहायक एवं पर्यवेक्षक, मोहरीर वन श्रमिक, वैज्ञानिक सहायक और सुपरवाइजर, इनको मिलेगा फायदा। श्रेणी 2 के अंदर आप देख सकते हो नियोजित शिक्षकों की तरह इनका वेतन फिक्स किया जाना है। स्थायी सेवकों की तरह छुट्टियां भी मिलेगी और वेतन वृद्धि भी होगी। हालांकि पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के भत्ते की सुविधा नहीं मिलेगी। इनसे न्याय एवं विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, ममता, आशा कार्यकर्ता, सामुदायिक कार्यकर्ता, जीविका प्रहरी, चौकीदार, ग्रामीण आवास सहायक, रोजगार सहायक एवं ग्राम कचहरी सचिव शामिल होने वाले हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग लेगा परीक्षा। समिति की 2 तरह के सुझाव दिए हैं। पहले में वैसे कर्मचारियों को रखा जाएगा जो रिक्तियों के विरुद्ध रखे गए हैं और सरकार के 44 विभागों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या करीब 1 लाख है और पक्की नौकरी के लिए इन्हें परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसे बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की जरिए संपन्न कराया जाएगा और उत्तीर्ण होने पर नौकरी पक्की हो जाएगी। वर्षों से कार्यरत कर्मियों को वरीयता के आधार पर तरहीज मिलेगी, नई की तुलना के पुराने ज़्यादा पॉइंट दिए जाएंगे। दूसरी श्रेणी के कर्मियों को स्थायी समझने की सिफारिश की गई और इसे आंगनबाड़ी सेविका, विकास न्याय मित्र, आशा ममता जैसे कार्यकर्ता शामिल हैं। इनकी संख्या करीबन 3.5 लाख और समझौते के बाद इनका वेतन फिक्स कर दिया जाएगा और छुट्टियाँ भी मिलेगी, किंतु ये सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। तो आपने देखा आंगनबाड़ी बहनों और सभी संविदा कर्मी जो आपके बिहार में हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप किस राज्य के संविदा कर्मचारी या आंगनबाड़ी वर्कर हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको किस टाइप की खबर चाहिए वो भी हमारे को कमेंट करके आप बता सकते हो। तो ये थी पूरी खबर
आंगनबाड़ी आशा बहनों और सुविधा कर्मी से संबंधित आपको लेटेस्ट अपडेट पाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।